वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, अगर कोई भी इन्वर्टर है, उसकी ट्रांसफार्मर जली हुई है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे और उसकी डाटा कैसे निकालेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे चैनल पर आप नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, आपका ट्रांसफार्मर का हम लोग एसी वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे, सभी वाइंडिंग में कितने कितने वोल्टेज आ रही है। तो हम लोग एसी रेंज में यहाँ पर रख देंगे, जैसा कि आप लोग मीटर देख सकते हैं, और रखने के बाद में हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये ड्रेन वाली वायर है साइन वेव की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10.41 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस वाइंडिंग में वोल्टेज कितनी है, यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। कॉपी में लिखने के बाद हम लोग सभी का डाटा निकालेंगे और वायर का गेज भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो ड्रेन की वायर है, इसका जो वोल्टेज है 10.41 है, तो 10.41 हम लोग लिख दिए हैं। अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर से फीडबैक आती है बोर्ड में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ वोल्टेज कितनी दे रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फीडबैक की जो सप्लाई है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हम लोग, तो मीटर में देख सकते हैं या 90.64, तो लगभग यहाँ पे 20 वोल्ट यहाँ पे दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इस वाइंडिंग में 20 वोल्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके आगे हम लोग अब चलेंगे दूसरा वाइंडिंग, अब देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, और इसके बाद में हम लोग अब चलेंगे सेकेंड की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपका तीन लूप है, एक न्यूट्रल रहेगा जो कि कॉमन रहेगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर 327 वोल्ट, यानी कि 28 वोल्ट 27 वोल्ट के आसपास है, 327 वोल्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लूप बनाने के बाद हम लोग लिखेंगे, और लिखने के बाद में हम लोग उसका डाटा निकालेंगे। तो देख सकते हैं जो लास्ट का जो था वो 327 वोल्ट था, जो कि हाईएस्ट वोल्टेज है, और ये हाई लो चार्जिंग के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 327 वोल्ट लिख लेते हैं, ये लास्ट का लूप है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेंट्रल लूप में लिखेंगे, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल लूप में है 229 वोल्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 229 वोल्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, इस हिसाब से हम लोग जो कि इसका डाटा निकालेंगे। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। और दोस्तों, जो इसमें वायर लगे हैं, वायर का हम लोग गेज चेक करेंगे। गेज के लिए इसमें हम लोग जो गेज का मीटर लेंगे, और यहाँ पर वायर कितने नंबर का लगा हुआ है हम लोग गेज से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें कोर जो है आपका 6B है, यानी 6B है इसमें कोर, और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है कि 1.25 इंच का है, ठीक है। 1.25 इंच का इसका लंबाई है, उस हिसाब से हम लोग डेटा निकालेंगे और आपका जो कि मेजरमेंट ले लिए हैं। अब दोस्तों, इसमें वायर हम लोग चेक करेंगे, इसकी वायर के जो नंबर है HWG कौन सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो वोल्टेज निकाला था, ये जो ड्रेन की सप्लाई जो थी वो आपका 10.42 था, और फीडबैक का जो है 20 वोल्ट है, और सेकेंडरी में 27 वोल्ट है, और एक 229 वोल्ट है। तो इस हिसाब से हम लोग डाटा निकालेंगे। अब दोस्तों, इसमें जो वायर है, वायर का हम लोग गेज देख लिए हैं। तो गेज यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे गेज था जो ड्रेन के लिए है 9 HWG, ठीक है, 9 HWG है यहाँ पे ड्रेन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे ड्रेन लिख देते हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। और यहाँ पर 20 जो है ऊपर कर लेते हैं, और ये जो फीडबैक के लिए है, तो यहाँ पे हम लोग फीडबैक दे देते हैं। और यहाँ पे जो है ये आपका आउटपुट के लिए है आउटपुट, और ये हो जाए इसमें कोर नंबर 6B है, वो जैसा कि हम लोग अब कैलकुलेटर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.75 है मल्टीप्लाई 1.75, तो इसकी जो कोर एरिया सी है 1.75 मल्टीप्लाई 1.75, ठीक है। और ये बराबर आपका हो जाएगा 3.06 है यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी एरिया है।
ठीक है। अब हम लोग सर TPB निकालने के लिए इसकी जो TPB का फॉर्मूला है 7.5, ठीक है 7.5 है इसका एरिया, और TPB निकालने के लिए 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 7.5 और डिवाइड यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 2.5 इसका TPB आ रहा है टर्न पर बोल्ट, ठीक है। इस हिसाब से सभी हम लोग जो कि डाटा इसका निकल लेते हैं, 2.5 TPB मल्टीप्लाई 10.42, तो यहाँ पे 26 टर्न यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे हम लोग 26 टर्न कर लेते हैं, 26 टर्न, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं फीडबैक का है 22.5, जो इसका TPB था मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, यहाँ 50 टर्न आ जाएगा, यहाँ पे 50 टर्न रहेंगे। और उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे 229 है, 229 है, तो यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई 229, ठीक है बराबर कर लेते हैं, तो 572 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 572 टर्न्स। और यहाँ पे 327 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी कर लेंगे हम लोग, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, 327 मल्टीप्लाई 2.5 जो TPB था, 817 टर्न आपको लपेटना पड़ेगा, 817 टर्न। अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो वायर लगेंगे, वायर का नंबर हम लोग देख लेंगे, तो हम लोग वायर का जो इसमें लूप निकलता है, लूप में हम लोग उसका वायर गेज मालूम कर सकते हैं। तो ये जो फीडबैक के लिए यहाँ पे आपका जो वायर था वो था 23 नंबर का था, ठीक है, यहाँ पे जो था वायर वो 23 नंबर का था, यहाँ पे 23 नंबर लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो आउटपुट के लिए जो था वायर था वो 20 नंबर का था, तो यहाँ पे 20 HWG ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके लास्ट तक आपका जो कि सेमी वायर रहेगा, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं सेमी वायर, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ड्रेन के लिए जो वायर रहेगा वो 9 नंबर का रहेगा, और फीडबैक के लिए जो रहेगा वो आपका रहेगा 23 नंबर का, 50 टन लपेटना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आउटपुट रहेगा 20 नंबर का वायर से आपको लपेटना है, तो पहला जो रहेगा 572 टन रहेंगे कॉमन के बाद से, ठीक है न्यूट्रल के बाद से जो रहेगा आपका 572 रहेगा, 72 72 प्लस करते हो जाना, मीटर जीरो नहीं करना है, ठीक है वाइंडिंग मशीन का आपको यहाँ पे ध्यान देना है, और करते हुए आपका 817 टन आपको लपेटना है। इस हिसाब से डाटा तैयार हो जाएगी, कोई भी अगर ट्रांसफार्मर का ऊपर डाटा निकालना है तो उसे जो कि इन्वर्टर मोड में उसको रख के उसकी जो ड्रेन की वोल्टेज है उसको चेक कर लेना है, और उसकी जो आउटपुट में वोल्टेज निकल रहा है उसको चेक कर लेना है। उस हिसाब से इस तरह आप एरिया को लंबाई गुणे चौड़ाई को आप करके एरिया निकालेंगे CA, और CA जिससे निकला हुआ यहाँ पे उस CA को आप TPB निकालेंगे, TPB के लिए फॉर्मूला है 7.5, उसको डिवाइड कर देंगे उससे जो कि कोर एरिया आएगी और उसका TPB आपको मिल जाएगा, TPB जो है मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे तो कोई भी ट्रांसफार्मर आप तैयार कर सकते हैं इजीली। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगता वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।